उधम सिंह नगर में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां जमीन जायदाद के लालच में बेटी और दामाद ने अपने पूरे ससुराल को जमीन में दफना दिया। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में घर में खुदाई के बाद चार कंकाल मिलने से क्षेत्र के लोगों में सनसनी फैल गई। ये कंकाल एक ही परिवार के चार लोगों के हैं, जिन्हें घर की बेटी और दामाद ने 13 बीघा जमीन और मकान हड़पने की नीयत के चलते 1 साल पहले मारकर घर में ही दफना दिया था और उसके बाद नया फर्श डाल दिया। करीब 16 महीने बाद जब दामाद ने संपत्ति अपने नाम करने की मंशा से मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की कोशिश की, तो रिश्तेदार के शक करने पर पूरा मामला खुल गया, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती से नरेंद्र गंगवार और उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उन दोनों ने चारों लोगों की हत्या कर उनको उन्हीं के घर में दफनाने की बात कबूल की। उसके बाद पुलिस ने घर के भीतर फर्श की खुदाई कर आरोपी दामाद नरेंद्र गंगवार के ससुर हीरालाल, सास हेमवती, उनकी बेटी दुर्गा और पार्वती के शव बरामद किए। घर वाला मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मीरगंज तहसील जो उनका भतीजा होता है उसके पास घर गया तो उसने कहा पहचान लिया, बोले नहीं पहचाना मैंने, मास्क उतारो नीचे, बोले अब पहचान लिया, उसको खाना चाय खिलाई आराम से, तब बोले बताओ क्या काम, बोलो मैं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने आया हूँ, वहाँ संपत्ति थोड़ी जमीन, मैं उनकी जमीन से आप बटाई में करता हूँ। तो क्या हुआ ये बताओ कि कैसे पता चला कि भाई इसने चार लाशों को दफना दिया है, मार दिया है, कैसे पता चला पूरी घटना? तो इससे हम यहाँ पर आए, हाँ। इससे बात हुई तो बोले दो लोग ये लॉकडाउन में खत्म हो गए 1-1.5 महीने पहले, हाँ। खत्म हो गए तो हमने किया, फिर किया तुमने, बोले सरकार वहाँ पर दाह संस्कार नहीं करने दे रही थी, हाँ। तो हम इन लोगों को जीप में रख कर लोहा नंगला, पहले जिया नंगला बताया, हाँ। फिर कहा कि हम लोहा नंगला ले गए पुल के नीचे दाह संस्कार कर आए, हाँ। तो हमने कोई सबूत दिखाओ, हाँ। फिर तो हम लोग वहाँ से चले फिर इनसे और दोबारा बात हुई, फिर बोले ये कि मोटरसाइकिल पे रख के हम लाशें ले गए के कर कर, तो हमें विश्वास नहीं हुआ। वही खुदाई के समय जिले की पुलिस, जिले के SSP और कुमाऊं रेंज के IG भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने बताया कि लीलावती ने अपने पति के साथ मिलकर अपने पिता, माँ और दो बहनों की 16 महीने पहले 20 अप्रैल 2019 को बेरहमी से हत्या कर घर में ही गड्ढा खोदकर लाशों को दफन कर दिया था। हीरालाल जी थे, सन ऑफ नोनीलाल, पैगा नगरी मीरगंज के थे ये, अपनी पत्नी और दो लड़कियों के साथ रहते थे। यहीं पे उनके सामने उनका एक दामाद था नरेंद्र गंगवार रहता था। तो इस नरेंद्र गंगवार ने इनकी हत्या कर दी थी 20 अप्रैल 2019 को संपत्ति के लालच में, और उसके बाद इन चारों को मार करके उनके घर में गाड़ दिया था और ऊपर से सीमेंटेड कर दिया था। तो ये था इसका, इसके बाद ये अपना जब मीरगंज वहाँ चले गए, जो वहाँ इनकी जमीन थी, जो उसका बटाईदार था उससे उसने कहा कि अब मुझे बटाई का पैसा मुझे दो, क्योंकि जो ससुर जी हैं वो मर गए हैं। और उसने कहा उनके और लोग कहाँ हैं, तो कहने का माता जी भी कहीं चली गई हैं और लड़कियां दोनों चली गई हैं। इसको उसको थोड़ा शक हुआ, तो उसने दुर्गा प्रसाद है उनका ही रिश्तेदार, उसको शक लेके वो यहाँ पे आए। तो जब यहाँ पता चला तो उनको पता चला कि 1.5 साल से तो वो है ही नहीं। तब उन्होंने थाने में रिपोर्ट करी, बताया, फिर इसको नरेंद्र सिंह को पकड़ा गया, पूछताछ करी, तो उन्होंने बताया कि वो नरेंद्र सिंह और एक इसका किराएदार है विजय, उसके साथ मिलकर उन्होंने संपत्ति के लालच में इनकी हत्या कर दी। हत्या इन्होंने उनके साथ से पहले दो लोग थे, दो इनकी सास और एक साली दूध लेने गई थी, तो ये घर के अंदर घुसे, पहले एक साली को मारा फिर ससुर को मारा, उसके बाद जब साली और सास जी आईं दूध लेके उनको मारा, तो मारा इन्होंने डंडे से और वहीं पर गड्ढा खोद करके दबा दिया। जिले भर की तमाम पुलिस फोर्स और खुद मौके पर जिले के SSP दलीप सिंह कुंवर और IG कुमाऊं अजय रौतेला ने भी मॉनिटरिंग की। वहीं पूरा मामला हाई प्रोफाइल होने के चलते पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच भी कराई गई, जिसके चलते रुद्रपुर के मजिस्ट्रेट विशाल मिश्रा भी मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी मामले की जांच कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पंजाब केसरी TV के लिए उधम सिंह नगर से यामिन मलिक की रिपोर्ट।